जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। ये है महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़ का ऑफिशियल वेबसाइट, करेक्ट। अब हम इसमें करेंगे क्या, देखिए इसमें हम आज आपके बीएड के एक सिलेबस को डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको क्या पढ़ना है, इसके हम डिस्कस करेंगे। तो हम आपके ऑफिशियल वेबसाइट से आपके बीएड का हम सिलेबस डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। बीएड में आपके बीएड सेकेंड सेमेस्टर को देखेंगे, करेक्ट। तो आपका बीएड के हम सेकेंड सेमेस्टर के आपके सिलेबस को समझेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट, और हम उसके देखेंगे कि आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों का सिलेबस एक्चुअली। तो हम यहाँ पे चलते हैं सीधे आपका सेकेंड सेमेस्टर। तो बच्चों आपका सब्जेक्ट है सेकेंड सब्जेक्ट स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, ओके, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन और लीडरशिप्स, यानी कि लीडरशिप्स। इसका फर्स्ट यूनिट देखिए, फर्स्ट यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार भी है। फर्स्ट यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट यूनिट को ही हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है मीनिंग नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स स्कोप्स एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, थीरीज स्कूल मैनेजमेंट और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन मैनेजमेंट में डिफरेंस, इसको हम आसान से शब्दों में समझते हैं। तो दोस्तों आपके सिलेबस को ही हम यहाँ पे आसान से शब्दों में दोनों लैंग्वेज में लेकर आ जाते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, स्टेट विश्वविद्यालय आजमगढ़ के, ठीक है। सो सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आपका जो बी एड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड सब्जेक्ट था स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप, उसी की यूनिट को हमने बस अपने शब्दों में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। पहला क्या था, मीनिंग नेचर एंड द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। वास्तव में इसमें आपको पढ़ना क्या, इसमें आपको पढ़ना है कि शैक्षिक प्रशासन किसे कहते हैं, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा क्या होती है, इसका अर्थ और इसकी प्रकृति, इसका नेचर क्या होता है, ठीक है। चलिए दूसरा है ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या होते हैं शैक्षिक प्रशासन के, उसके स्कोप यानी कि क्षेत्र, शैक्षिक प्रशासन किस किस कार्य क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करता है और कितने प्रकार के शैक्षिक प्रशासन होते हैं, इसको यहाँ पे आपके यूनिट में दिया गया है, इसको आपको यहाँ पे पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स एंड थियरीज, बात एक ही है, ठीक है, आपको क्या पढ़ना है शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत और कार्य, ठीक है, एंड द फंक्शंस ऑफ, कि कौन कौन से कार्य करता है शैक्षिक प्रशासन। और इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आपसे आता है पोस्ट कॉर्प, POSTCORP, पोस्ट कॉर्प किसे कहते हैं, ये आपको पढ़ना होता है। पोस्ट कॉर्प का मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, इसकी व्याख्या होती है, ये आपको पढ़ना है। थीरीज मतलब वही सिद्धांत, शैक्षिक प्रशासन के सिद्धांत, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये वाला बड़ा अच्छा प्रश्न है, स्कूल मैनेजमेंट, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन, एक और सवाल आपसे पूछा था कि प्रबंधन, जैसे आपने शैक्षिक प्रशासन पढ़ा, ठीक वैसे ही शैक्षिक प्रबंधन की भी बात की जाती है कि शैक्षिक प्रबंधन क्या होता है। और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आपसे कि शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक प्रबंधन दोनों में अंतर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आपका चौथा पॉइंट क्या था कि स्कूल मैनेजमेंट, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, विद्यालय प्रबंधन का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी विशेषताएँ क्या हैं और इसकी ज़रूरत क्या है, नीड क्यों है, इसका क्षेत्र क्या है और कौन कौन सी समस्याएँ आती हैं विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत, इसके बारे में डिस्कस करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपको देखना है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन, मैं जिसकी बात कर रहा था, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के बीच का अंतर, कि शैक्षिक प्रशासन किसे कहते हैं और शैक्षिक प्रबंधन किसे कहते हैं, इसको आपको देखना है, ठीक है। तो देखिए ये आपका केवल सिलेबस एक्सप्लेन वीडियो था, इस पूरे पॉइंट्स को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके पीछे मैं एक रीज़न बताता हूँ, देखिए ये जो आपका सेकेंड सब्जेक्ट्स में फर्स्ट यूनिट है ना, सेम यही यूनिट, यही सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट दूसरा है अवध विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है, जिस वहाँ पे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट नाम से फर्स्ट सब्जेक्ट है। और सेम पहला यूनिट जो है वही यूनिट आपका भी है। तो अगर मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा तो यहाँ पे केवल MSDU, तो इसीलिए मैंने सेपरेट एक वीडियो बनाई है जिसमें जिसका भी शैक्षिक प्रशासन प्रबंधन से संबंधित ये एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन आपका यूनिट है, तो एक ही यूनिट में सारी समस्याओं को डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो उस वीडियो का मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा। मैं इस वीडियो में आपके विश्वविद्यालय महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का सेकेंड सब्जेक्ट्स स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप का फर्स्ट यूनिट सिलेबस डिस्कस कर रहा था कि आपको इस यूनिट में पढ़ना क्या है। बाकी इसके आंसर्स जैसे कि वन बाय वन, प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा,
उसके सिद्धांत, उसके क्षेत्र, उसके कार्य, उसकी उपयोगिता, ये सारे हम देखेंगे अगली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको एटलीस्ट सिलेबस समझ में आ गया होगा। सिलेबस तो नो डाउट समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, आप उससे जुड़ सकते हैं, वहाँ पे भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं अगले वीडियो में और वहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं शैक्षिक प्रशासन क्या होता है, प्रशासन क्या होता है, लोक प्रशासन क्या होता है, और भी संबंधित जो भी समस्याएँ, प्रश्न हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। हाँ, एक और चीज़ कह दूँ कि उस वीडियो में ये वाला नहीं मिलेगा, स्कूल मैनेजमेंट और इन दोनों का डिफरेंस, उसको अलग अलग वीडियोस में डिस्कस किया जाएगा। बाकी ये सारे आपको प्रश्न मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आइए, वहाँ पे मिलते हैं और वहाँ पे पढ़ लें, ठीक है। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताएं, पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने और दोस्तों को जोड़ें इस चैनल से। यही मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है। सो जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आंसर वाली वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में कमेंट, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक होगा नेक्स्ट वीडियो की, कमेंट में भी वो लिंक होगा नेक्स्ट वीडियो की। तो चलिए वहाँ जोड़ते हैं, इस वीडियो में फिर आते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, शुभ रात्रि।